छत्तीसगढ़ में सतर्कता के चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है। यहां 10 में से 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले से ही एहतियात बरतना शुरू कर दिया था, वहीं राज्य की जनता भी जागरूक नजर आ रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे ने। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज जो हैं कम होते जा रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिसमें से 9 स्वस्थ होकर घर चले गए। निश्चित तौर पर सरकार ने एक बेहतरीन तौर से छत्तीसगढ़ में काम किया, और इसी पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, सर ऐसा क्या जादू किया आप लोगों ने कि अन्य राज्यों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 में से 9 मरीज ठीक होकर घर चले गए? कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आज पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़, सभी राज्य इसके लिए गंभीर होकर के काम कर रहे हैं। जैसे ही इसके WHO के द्वारा निर्देश जारी हुआ और भारत सरकार इसमें एक्शन लिया, उसमें सबसे पहले अगर इम्प्लीमेंट कराने वाले कोई मुख्यमंत्री हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और इससे जो संक्रमण की संभावना थी वो रुक गई, उसका चैनल टूट गया। ये जो बार बार अपील किया गया, इससे लोगों में बहुत सकारात्मक मैसेज गया और सभी लोगों ने इस जो एडवाइजरी का, इस गाइडलाइन का लोगों ने पालन किया। लेकिन हमने देखा कि खाद्य विभाग ने भी अपनी भूमिका, आपको खाद्य मंत्री, आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया, लोगों को किसी चीज का कमी नहीं हुआ, किस तरह से इसको आप पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे? देखिए, लॉकडाउन करने से पहले कुछ एहतियात तो बरतना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा भी लॉकडाउन करने से पहले जो कुछ जरूरी कदम उठाना था उसको नहीं उठाया, जिसके चलते आज जो स्थिति है बाकी प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। हमारी नैतिक जवाबदारी है कि लोगों को हम सुरक्षा प्रदान करें, उनके लिए भोजन का व्यवस्था करें, और अगर हम किसी एरिया को खाली करा रहे हैं तो कहां पर ले जाकर के उनको रखना है। अगर क्राउड एक जगह इकट्ठा हो गया तो उसको अलग अलग कहां कहां पर उसको अलग अलग क्षेत्रों में शिफ्ट करना है, ये प्लानिंग होनी चाहिए थी और उसका कमी देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें उन सभी राहत वाले कदमों को उठाया जहां पर उनको एक्शन लेना था, कि जैसे एक तरफ ब्रेकडाउन भी किए तो दूसरे तरफ क्राइसिस ना हो इसके लिए मार्केट को भी खुला, आवश्यक वस्तु का लोगों तक सप्लाई हो सके, लोग अपने जरूरत की चीज खरीद सके, इसके लिए भी उन्होंने मार्केट को खुला रखा। और बाजारों से, गांव से सब्जी आए उसके लिए भी किसानों के लिए रास्ता को खोल के रखा, मंडी को खोल के रखा, और उसमें एक और मार्केट का को खोल के भी रखा, और दूसरे तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का जो निर्देश था उसका भी पालन कराया। इन्फेक्शन ना हो इसके लिए जो है सैनिटाइजर और हाथ धोने का भी व्यवस्था सभी जगह कराया, मास्क लगा करके निकलने के लिए सभी लोगों को सलाह दिया, आह्वान किया, तो उसका लोग पालन किए। और जितना शहरी क्षेत्र में हम तो कम देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उससे ज्यादा लोगों में अवेयरनेस देखने को मिला, कि गांव गांव में लोग बैरियर लगा दिए, गांव गांव में बोर्ड लगा दिए कि बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध। अगर उस गांव का भी व्यक्ति अगर दूसरे शहर या दूसरे प्रदेश से आ रहा है तो उसको गांव में लोग घुसने नहीं दिए, लोग बारी बारी से वहां पर पहरा दे रहे थे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो बेहतरीन ढंग से जो काम किया उसका परिणाम हम सबके सामने है। 10 मरीज जो सामने आए थे, 9 मरीज ठीक हो गए, और निश्चित तौर पे खाद्य मंत्री ने भी अपील की और हमारा चैनल भी लगातार जो है यही अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में रहे, तभी कोरोना से देश और छत्तीसगढ़ जंग जीत सकता है। ID24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन महेश के साथ मैं कुलेश्वर पांडे, रायपुर।